उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बता दें कि किसान ने 2019 में क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था, जिसके बाद बकायेदार किसान को तहसील का कलेक्शन स्टाफ घर से उठा लाया और फिर उसकी तहसील परिसर में ही जमकर पिटाई कर दी। सिर्फ पिटाई ही नहीं, किसान को एक कमरे में बंद भी कर दिया गया। आप भी देखिए इस वीडियो को, किस तरीके से किसान को घसीटते हुए पीटा जा रहा है। घटना तब सामने आई जब घटना का वीडियो सामने आया। हालांकि किसान हरिओम ने तहसील कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया है। खबरों के अनुसार तहसीलदार ने बताया है कि किसान पर 25 लाख रुपए बकाया है, लेकिन किसान का कहना है कि उसने 2019 में 21 लाख रुपए लिए थे, पर कोरोना की वजह से वो लौटा नहीं पाया, जिसके बाद ब्याज की वजह से रकम 25 लाख हो गई। लेकिन किसान ने ये भी कहा कि 2 महीने पहले उसने बैंक से वन टाइम सेटलमेंट किया था और इसके तहत लगभग 5.5 लाख रुपए जमा भी कर दिए थे, लेकिन तभी से उसे तहसील का कलेक्शन स्टाफ लगातार परेशान कर रहा है। हमारे यहाँ से 3.5 लाख रुपया इन्होंने का लौटा है, इन्होंने बोल रहे और भाई से पत्नी मार दो, हम कह रहे हैं सर हमारे पैसा जमा बंद करो, हमें ये बंद करो, कोर्ट में जाकर बंद करो तुम, कोर्ट में जाकर बंद करो, हम कह रहे हैं साहब हमारा ये, हम तो दिखाओ ना, तो लिखवा के लिया बैंक से, हमारे पास 25 लाख की आरजी है हमारे पास, अरे तो हमने जमा करा हुआ है, जमा करा हम आपसे लेंगे, हम तो बंद करोगे सारा काम। किसान की पिटाई के बाद सवाल उठता है, क्या किसी को भी लोन ना चुकाने की वजह से इस तरीके से पीटा जा सकता है? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किसान की पिटाई पर तहसीलदारों पर कार्रवाई कब होती है। स्पेशल डेस्क जनहित टाइम्स।